क्षय हुआ, जिसके कारण उन्हें बचपन में जातिगत भेदभाव अपमान का सामना करना पड़ा। उनके परिवार को उच्च वर्ग के परिवारों द्वारा अछूत माना जाता था। अमिताभ जी के पूर्वज तथा उनके पिता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी में लंबे समय तक कार्य किया था। अमिताभ जी अस्पृश्य अछूतों में भाग लेते थे, लेकिन उन्हें शिक्षकों द्वारा महत्व नहीं दिया जाता था। उन्हें ब्राह्मणों और विशेषकर विशेषाधिकार प्राप्त समाज के उच्च वर्ग से अलग कक्षा में के बाहर बैठाया जाता था। यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने तक नहीं दिया जाता था। तब दिया जाता जब चपरासी द्वारा ऊंचाई से पानी डाला जाता था तब वो पी सकते थे, क्योंकि उन्हें पानी और उसके बर्तन छूने की अनुमति नहीं थी। अम्बेडकर जी को आर्मी स्कूल के साथ साथ हर जगह समाज द्वारा अलगाव और अपमान का सामना करना पड़ा। और उनकी शिक्षा देखते हैं हम, उनकी शिक्षा को वो एकमात्र दलित व्यक्ति थी जो मुंबई में एफएसटी हाई स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण के बाद 1908 में एलिस्टाइन कॉलेज में दाखिला लिया। उनकी सफलता दलितों के लिए जश्न मनाने का कारण था, क्योंकि वो ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति था। 1912 में उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र में अपनी डिग्री प्राप्त की थी। उन्हें सयाजी राव गायवारा द्वारा स्थापित योजना के तहत बड़ोदरा राज्य छात्रवृत्ति मिली और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। 1915 में उन्होंने अर्थशास्त्र के साथ साथ इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन और राजनीति जैसे अन्य विषयों में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। 1960 में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए और अपने शोध पत्र पर काम किया, रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान। इसके बाद 1920 में वे इंग्लैंड गए। वहां उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री मिली और 1926